दोस्तों इमली सीरियल में नजर आने वाली सुंबल तौकीर आज अपने इमली के किरदार से देश भर के लोगों की पसंदीदा अभिनेत्री बन चुकी हैं। जी हाँ, क्योंकि ये अपने सीरियल में अपनी दमदार की अदाकारी और अपनी एक्टिंग की वजह से आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। वहीं बता दें कि जहाँ इमली सीरियल में अभिनेत्री सुंबल तौकीर इमली नाम की लड़की की पूरी जीवन की कहानी को पर्दे पर खूबसूरती से उतार रही है और उनकी इस कहानी को दर्शक खूब पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अभिनेत्री सुंबल तौकीर के जीवन के कुछ अनसुनी कहानी के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, एक समय पर सुंबल तौकीर अपने पिता की आखिरकार क्यों कराना चाहती थी दूसरी शादी। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सुंबल तौकीर की बचपन से जुड़े इस दास्तान के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। पर इससे पहले आप अपनी फेवरेट अदाकारा सुंबल तौकीर के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिनेत्री सुंबल तौकीर आज इमली सीरियल में इमली के किरदार को निभाकर काफी ज्यादा मशहूर हो रही हैं। वहीं अगर बात करें इनके जीवन की अनसुनी कहानी के बारे में, जी हाँ, आखिरकार सुंबल क्यों अपने पापा की एक समय पर दूसरी शादी करवाना चाहती थी, तो आपको बता दे सुंबल तौकीर की उसी दास्तान के बारे में। तो बता दें कि जब सुंबल तौकीर महज 6 साल की थी तभी इनके माता पिता का तलाक हो गया था। हालांकि इनके माता पिता के अलग होने के बाद सुंबल तौकीर की जिंदगी में कुछ खास बदलाव तो नहीं आया, लेकिन सुंबल तौकीर अपनी मम्मी से दूर हो गई और सुंबल के पापा ने एक सिंगल फादर के तौर पर उनकी काफी अच्छे से परवरिश की और दोनों बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया। उस समय वो लोग दिल्ली में रहते थे। बता दें बचपन के दिनों में सुंबल के पिता ही उन्हें स्कूल के लिए ले जाया करते थे और उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार किया करते और नाश्ता भी बनाते थे। और जब सुंबल तौकीर मुंबई शिफ्ट हुई तो उनकी मम्मी से उनका टच बिल्कुल ही खत्म हो गया था और उनके पिता चाहते थे कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करे। वहीं सुंबल ने ये भी बताया कि उनके पिता कई रियलिटी शो में डांस कोरियोग्राफर रहे हैं और हमेशा से ही इनके पिता चाहते थे कि उनकी दोनों ही बेटियां अपने जीवन में कुछ बड़ा करें। वहीं दोनों बहनों को डांस करने का बेहद शौक था और जब इनके पिता ने देखा तो उन्होंने सोचा कि अपनी दोनों बेटी को मुंबई लेकर जाए और उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करे। जिसके चलते साल 2016 में बैग पैक करके दिल्ली से मुंबई आ गए, जहाँ पर उन्होंने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। इस तरह से सुंबल तौकीर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और उन्होंने अपनी बहन के साथ दिल्ली में कई रामलीला नाटक में भी काम किया था और यहीं से उनका एक्टिंग की तरफ रुझान हुआ। वहीं बता दें कि सुंबल तौकीर ने कहा कि उन्होंने अपने पिता के लिए एक सही लड़की की तलाश भी की थी, लेकिन उनके पिताजी ने कभी दोबारा शादी नहीं की क्योंकि उन्हें लगता है कि इनकी दोनों बेटियों को सौतेली माँ कैसे ट्रीट करेगी। वहीं बता दें कि सुंबल तौकीर को अपने पिता के अकेलेपन का उनके दिल में काफी अलग ही फीलिंग थी। जी हाँ, उन्हें लगता था कि इनके पिता तो इन दोनों बहनों का काफी अच्छे से ख्याल रखते ही हैं और इनके पिता का कोई हालचाल पूछने वाली नहीं है। जिसके चलते ही सुंबल एक समय पर अपने पापा की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, पर इनके पिता ने दूसरी शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इन्होंने इस बारे में अपने पिता से कभी खुलकर बात नहीं की। वहीं बता दें सुंबल तौकीर तो अपनी एक अलग ही पहचान ही बना चुकी हैं और आगे भी उम्मीद है कि इन्हें इमली सीरियल के बाद काफी बड़े बड़े और अच्छे शो में काम करने का सुनहरा मौका मिलेगा। तो दोस्तों आप अभिनेत्री सुंबल तौकीर की इस अनसुनी दास्तान के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।